तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल में जो है अभी तक एरर वाली प्रॉब्लम आ रही है, अनेबल टू लॉगिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुई है, तो इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को जो है 100% सॉल्व करके देने वाले हैं, फिक्स करके देने वाले हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको कुछ इस तरह लिखा रहा है अनेबल टू लॉगिंग, या फिर लिखा रहा है आपके एरर सॉरी देर वाज ए प्रॉब्लम विथ योर रिक्वेस्ट, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी बकवास के। तो आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो साइड में बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, उससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। और कमेंट में आपको जरूर बता के जाना आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है नहीं हुई है, सॉल्व हुई है नहीं हुई है। तो उसके बाद में आपको जो है मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद में आपको अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर नीचे सर्च बार पे यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा ओपन लिखा आ रहा है आप देख सकते हो, इसको आपको जो है अपडेट कर लेना है। अपडेट आपको करना पड़ेगा, अपडेट करने के बाद में बैक कर लेना है। बैक करने के बाद में इस पर आपको जो है टैप करके रखना है। टैप करने के बाद में आपको सामने कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा, यहाँ पर ऐप इनपुट लिखा आएगा, इस तरह लिखा आएगा आप देख सकते हो। इस वाले आइकन पर जो है आपको क्लिक करेगा, फिर आइकन भी आ सकता है आपके मोबाइल में, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने लिखा आएगा यहाँ पर फोर्स स्टॉप, कुछ इस तरह आपके फोर्स स्टॉप लिखा आएगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको लिखा आएगा स्टोरेज नीचे, यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज, इस वाले ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक कर देना है स्टोरेज पर। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लियर चेक कर लेना है, अगर आपकी आईडी जो है इंस्टाग्राम में लॉगिन नहीं है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन नहीं है तो, या फिर क्लियर डाटा कर लेना है आपको, क्लियर डाटा कर लेना है, मैं नहीं करता हूँ, आपको कर लेना है क्लियर डाटा। उसके बाद में बैक कर लेना है, लेकिन क्लियर डाटा करने से आपकी आईडी जो है क्लीन हो जाएगी बिल्कुल, इंस्टाग्राम में जो भी आईडी आपकी हट जाएंगी सारी की सारी। तो इसके लिए आप जो समझ कर करना क्लियर डाटा भी, तो मैं बैक कर लेता हूँ। अगर आपके आप फिर आपको चेक करना है, इसको एक बार स्विच ऑफ कर लेना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके खोलना है, फिर आपको चेक करना है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिंग होता है नहीं होता है। अगर आपका ऐसे भी लॉगिंग अकाउंट नहीं होता है तो आपको इसको जो है गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है instagram.com, मैं सर्च कर लेता हूँ instagram.com, आपको सर्च कर लेना है। मैं instagram.com जो है सर्च कर लिया है। फिर इसके बाद में आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो इसमें से आपको जो है एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर क्रोम लिख रहा है आप देख सकते हो, इस वाले एप्लीकेशन को जो है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, कुछ इस तरह लिखा आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा तो आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगा देख सकते हो, एक तो लिखा आएगा लॉगिंग और एक लिखा आएगा सिंगअप। तो आपको जो है यहाँ पर लॉगिंग वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करना है, आपको इस पर ही क्लिक करना है, लॉगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी आईडी डाल देनी है, फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर, और नीचे अपना पासवर्ड है जो डाल देना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट है जो 100% लॉगिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है कम से कम 24 hours 24 घंटे तक आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर चला लेना है आपको। उसके बाद में आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और टेक्निकल इशू यानी इशू भी होता है, कुछ बग वगैरह आ जाते हैं इस पर, इस वजह से भी होता है वो। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी, तो टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पर आने वाले इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले अपलोड करता रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।